हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, आप डेफिनेटली चाहते होंगे कि अगर आप कोई क्लाइंट को अगर सर्विस प्रोवाइड किया है तो वो क्लाइंट आपको उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स को रेफर करें। सोचो अगर ऐसे कोई ऐप आए जिसके वजह से आपको ऑटोमेटिकली रेफरल मिल जाएगा। क्लाइंट्स के साथ वीडियो शेयर करना, फोटो शेयर करना, टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, ये जितना आसान होता है दोनों क्लाइंट्स और फोटोग्राफर्स के लिए अच्छा है। अगर इस ऐप के थ्रू अगर बहुत प्रोफेशनली आपको अपने प्रोफेशन को एग्जीक्यूट करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो कुछ वेडिंग फोटोग्राफर्स जो है उनका काफ़ी सारा जो प्रॉफिट है वो एल्बम से आता है। लेकिन आजकल वो लोग एक प्रॉब्लम एनकाउंटर कर रहे हैं, वो ये है कि एक बार अगर क्लाइंट ने सॉफ्ट कॉपीज ले लिया उसके बाद काफ़ी सारे क्लाइंट्स एल्बम के लिए आते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम भी ये ऐप सॉल्व कर देता है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं होना, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, फोटो शेयर करना, वीडियो शेयर करना, वो सारे प्रॉब्लम्स एक ऐप सॉल्व कर देता है। इससे पहले मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, द नेम इज फोटोमॉल। ये एक ऐसा ऐप है जिसका एक वर्जन आपके पास भी होगा और एक अलग टाइप का वर्जन क्लाइंट ऐप वो आपके क्लाइंट के पास होगा। इसकी वजह से आपको एक ब्रांडिंग भी मिल जाता है। आपके स्टूडियो के नाम पे ही वो ऐप बनेगा और आपका जो क्लाइंट है वो ऐप डाउनलोड करेंगे। इवेंट की डिटेल्स अपडेट करने से लेके एल्बम के लिए फोटो सिलेक्शन तक का काम इस ऐप के अंदर ही हो जाएगा। इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक हाई लेवल में मैं आपको एक एंड टू एंड प्रोसेस बता दूंगा। उनका बहुत अच्छा कस्टमर केयर है जो आपको हेल्प तो करेंगे ही, लेकिन एक हाई लेवल अंदाजा मैं आपको दे सकता हूँ। आपका खुद का स्टूडियो का एक ब्रांडेड ऐप आपको बनवाना है, देन वेबसाइट में एक सिंपल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उनको कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से ही इनिशिएट होता है। उसका नंबर आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वेबसाइट में हमेशा अपडेटेड होगा। ऐप बनवाने का पूरा प्रोसेस वो लोग आपको समझा देंगे। आपका जो लोगो है और कलर स्कीम आपको किस टाइप का चाहिए वो कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। लगभग 7 दिन में आपके पास आपका खुद का स्टूडियो ऐप होगा। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन उसका चार्जेस जो है मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको। एक बार आपका ऐप बन जाएगा, आपको किसी और चीज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इवेंट्स। आपकी कन्वीनियंस के लिए आप डेस्कटॉप वर्जन भी यूज कर सकते हैं। आपको अपने लिए एक फ्री वेबसाइट भी मिल जाएगा, where you can share your contact and portfolio. So client का details लेके सबसे पहले आप उनका profile register कर देंगे। उसके बाद उस client का आप एक event create करोगे। शादी हो सकता है, engagement हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर एक process का अगर आपको एक detailed video देखना है तो Photomall channel में specific videos दिया हुआ है, वो तमिल में है, लेकिन आपको screens देख के easily पता चल जाएगा। देखो, इस type का एक event बन जाएगा। तो आप इस event में डेट अपडेट कर दोगे, वेन्यू अपडेट कर दोगे, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ एक जगह पे आप रख रहे हो। हो सकता है कि आपको एक महीने में 5-6 वेडिंग्स करना पड़े, तो हर एक वेडिंग का हर एक इन्फॉर्मेशन को आपको व्हाट्सएप में या फिर अलग जगह पे लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप में उस इवेंट में जाओ, सारे इन्फॉर्मेशन उस इवेंट में रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट है उसका एक इन्विटेशन रहेगा, उस इन्विटेशन को आप इसी प्रोफाइल में, इसी इवेंट में आप अपडेट करके रख सकते हो। एक बार उस इवेंट में जाओ सो एवरीथिंग विल बी हैंडी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये है इसका पहला एडवांटेज। आपका शूट खत्म हो गया, आपके पास सारे रॉ फाइल्स है, आपने उसको एडिट भी किया है, अब आपको सिलेक्ट करने के लिए भेजना है क्लाइंट के पास। पहले हम लोग क्या करते थे, या अभी भी काफी सारे लोग क्या करते हैं, क्लाइंट्स को बुलाओ, वो लोग उस सॉफ्ट कॉपी को लेके जाएंगे, या फिर आप क्लाइंट के पास जाओ, या फिर पेन ड्राइव भेजो। काफ़ी सारे लोगों को गूगल ड्राइव में या अलग अलग ड्राइव में कैसे लॉगिन करके एक्सेस करना ये भी पता नहीं चलता है। इसलिए इस ऐप में इस फोटो सिलेक्शन को भी बहुत इजी बना दिया गया है। जो फाइनल फोटोज है जो आपको क्लाइंट को भेजना है वो एक जगह पे आप अपलोड कर दोगे। सारा फोटोज अपलोड करने के बाद आप उसको सबमिट कर दोगे। सारे फोटोज वेट लिस्टेड में होगा, मतलब अब क्लाइंट उसको सिलेक्ट कर सकता है, या फिर रिजेक्ट कर सकता है, या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। और ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना बहुत इजी है। सिर्फ आपके क्लाइंट के पास एक SMS जाएगा। अगर आपके पास ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है तो इंस्टॉल करो, फोटोज रेडी है एल्बम के लिए सिलेक्ट करने के लिए। ऐप में कैटेगरीज होगा, सिलेक्टेड फोटोज, वेट लिस्टेड फोटोज, रिजेक्टेड फोटोज। वेट लिस्टेड मतलब अभी तक वो सिलेक्टेड या रिजेक्टेड नहीं हुआ है। सारे फोटोज को या फिर सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करने के बाद क्लाइंट अप्रूव कर सकता है। हर एक फोटो को रेट करके क्लाइंट उस फोटो का इम्पोर्टेंस भी बता सकता है, जैसे कि इसको कवर पेज की तरह यूज करो, इसको फर्स्ट फोटो बना दो, इस टाइप का कोई भी इंफॉर्मेशन हम सजेशन में लिख सकते हैं। आजकल क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग मोबाइल यूज करते हैं, ये जो प्रोसेस है ये ज्यादा ईजी हो जाता है। इसी तरीके से आपको एल्बम की जो लेआउट्स है वो रेडी होने के बाद
आप एक वर्चुअल एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं। इस ऐप में आप उसको अपलोड कर सकते हो, हार्ड कॉपी तो उनको मिलेगा, उसको छोड़ के एक वर्चुअल सॉफ्ट कॉपी एल्बम भी उनको मिल जाएगा। जो रिलेटिव्स होते हैं जो एल्बम के हार्ड कॉपी एक्सेस नहीं कर पाते हैं, दे विल बी एबल टू एक्सेस दिस सॉफ्ट कॉपी। कैसे एक्सेस करेंगे? हर एक इवेंट में एक QR कोड होगा, वो QR कोड जिस किसी के पास भी होगा वो आपका ऐप डाउनलोड कर पाएंगे और इस इवेंट को एक्सेस भी कर पाएंगे। क्लाइंट के लिए उसका अलग ID होगा, अलग एक्सेस होगा, वो सिक्योर होगा, लेकिन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के लिए QR कोड होगा उनको एक्सेस करने के लिए। जैसे मैंने कहा था, काफी बार ऐसे होता है कि जो वेडिंग फोटोग्राफर्स है, स्पेशली ट्रेडिशनल वेडिंग फोटोग्राफर्स, उनका जो मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट होता है वो एल्बम से आता है। एकदम से क्लाइंट एल्बम पे एक डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, तो आप सॉफ्ट कॉपी कैसे दोगे? इसमें जो आप सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट करने के लिए जो फोटोज दे रहे हो, वो फोटोज क्लाइंट डाउनलोड नहीं कर सकते। डाउनलोड तो छोड़ो, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। विच मीन्स आपको जब तक सॉफ्ट कॉपी शेयर करने का मन नहीं है, क्लाइंट को फोटोज के एक्सेस नहीं मिलेगा। एल्बम के लिए सिलेक्ट करने के लिए जो सॉफ्ट कॉपीज देखने को मिलता है, वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे या उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ देख सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इन ऑल द वेज ये फोटोग्राफर को सिर्फ हेल्प ही नहीं होगा, ये एक सिक्योर वे ऑफ शेयरिंग सॉफ्ट कॉपी से। कोई भी पर्सन या क्लाइंट आपका जो ऐप डाउनलोड करेगा, दे विल बी एबल टू सी योर वर्क, आपका जो काम है वो देख पाएंगे। आप एक जनरल गैलरी बना के आपकी वेबसाइट में अपलोड जब करेंगे, वो आपका ऐप में भी अपलोड हो जाएगा। आप फोटोज भी अपलोड कर पाएंगे और वीडियोस भी अपलोड कर पाएंगे। जैसे हम लोग फोटो एल्बम्स के लिए एक्सेस देंगे, कोई भी QR कोड यूज करके उसको देख सकता है, वैसे ही हम लोग वीडियोस भी अपलोड कर पाएंगे। जो YouTube का लिंक्स है वो यूज करके यहाँ पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। उतना ही नहीं, अगर कुछ लाइव इवेंट है, मान लो YouTube में वो लाइव इवेंट चल रहा है, उस लाइव वीडियो का लिंक भी आप अपडेट कर सकते हो, और जिसके पास भी इस इवेंट का एक्सेस है वो लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो को देख सकते हैं। तो बेसिकली जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उनको एल्बम देखने को मिलेगा, वीडियोस देखने को मिलेगा और लाइव स्ट्रीमिंग भी वो लोग देख सकते हैं। और क्योंकि वो आपके प्लेटफॉर्म में ये सब देख रहे हैं, ये एक तरीके से इतने सारे लोगों को आपका रेफरल चला जाएगा। एक बार इन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पता चल जाएगा कि आप इतना प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ मैनेज करते हैं, सब कुछ एक ऐप में अवेलेबल है, ये जो रेफरल है ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और फंक्शनलिटीज के बारे में जानने के लिए और इस ऐप के बारे में और डिटेल में जानकारी हासिल करने के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने स्टूडियो वाला एक ब्रांडेड ऐप बनवाना है तो उसका चार्जेस होगा 2999। ये अभी का चार्जेस है, जो भी अपडेटेड प्राइस है, कभी भी अगर आपको देखना है तो प्राइसिंग सेक्शन, उनके वेबसाइट में प्राइसिंग सेक्शन में देख सकते हो। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो उनका कस्टमर सपोर्ट तो है ही। इस ऐप को अगर आपको यूज करना है, उसमें बिजनेस करना है, तो आपको 799 पर मंथ देना पड़ेगा फॉर अ 6 months प्लान, और 699 पर मंथ देना पड़ेगा आपको एक 1 year प्लान के लिए। मुझे पर्सनली लगता है कि जितना फीचर्स इनका है, इट्स डेफिनेटली ए गुड बाय। अगर आप अपना बिजनेस को इस ऐप के थ्रू इनकॉर्पोरेट करके उसका फायदा अगर उठा सकते हैं, प्लीज गो अहेड एंड गेट द फोटोमॉल ऐप। कुछ भी क्लैरिफिकेशन है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट में भी उनका नंबर है, कस्टमर केयर को कॉल करके आपका कोई भी क्लैरिफिकेशन आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।